हेलो एवरीवन वन से वेलकम बैक टू एनपीसी माय नेम इज़ तृप्ति एंड यू आर वाचिंग माय एजुकेशनल चैनल एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में बच्चे हमने क्या क्या सीखा था हमने वेक्टर्स के बारे में सीखा था वेक्टर का इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ठीक है वेक्टर में हमने एक पॉइंट नोटिस किया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जब हमने स्टडी की थी कि वही फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स होती है जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करें ठीक है वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि ओबे करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वही वेक्टर कहलाती है ठीक है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भले ही किसी क्वांटिटी में हो बट अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है देन हम नहीं कह सकते कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्लियर है सो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं ठीक है थीके? जो हमारा आज का लेक्चर नंबर थर्ड है इट इज डिपेंड ऑन द ग्राफिकल मैथड ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर्स ठीक है ये किस पर डिपेंड है एडिशन ऑफ फैक्टर्स पे और जनरली हम टू वैक्टर्स के एडिशन देखेंगे और ग्राफिकल आज का जो वीडियो है उसमें एक भी फॉर्मूला नहीं होगा ठीक है हम ग्राफ्स के थ्रू ज्योमेट्री के थ्रू क्या करेंगे एडिशन करेंगे वेक्टर्स के क्लियर है क्योंकि इसका नाम ही इस मेथड का नाम ही ग्राफिकल मेथड है जिसे ज्योमेट्रिकल मेथड भी कह सकते हैं बिकॉज हम यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बस मेजरमेंट के लिए आप आपकी जो भी इंस्ट्रूमेंट है आप वो यूज करके और वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं ठीक है हाँ तो हम बात कर रहे थे हमने क्या पढ़ा था वेक्टर्स में लॉ ऑफ एडिशन ठीक है वैक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन सो जनरली वैक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन में टू टाइप्स के एडिशन होते हैं ठीक है टू ट्राइंगल मैथड ठीक है एंड टू टाइप्स की मैथड होती है ऐसा भी कह सक कह सकते हैं आप ट्राइंगल मैथड एज वेल एज पैरलग्राम मैथड ठीक है बट मोर देन टू वैक्टर्स हैं सो वी कैन यूज पॉलीगल मैथड ठीक है अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो हम पॉलीगन मेथड का यूज़ करते हैं क्लियर है सो so, हमारे सिलेबस में ओनली टू मेथड्स गिवन है ट्राइंगल मेथड एंड पैरालाग्राम मेथड तो हम ये दो मेथड्स ही सीखेंगे अभी ओके okay, पॉलीगन मेथड अभी हमें नहीं सीखना है ठीक है सो वन बाय वन हम फर्स्ट ट्राइंगल मैथड देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एंड देन सीखेंगे पैरलाग्राम मेथड ओके क्लियर है सभी पॉइंट्स क्लियर है कि आज के लेक्चर में हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे ठीक है लाइंस ड्रॉ करेंगे मेजरमेंट लेंगे और हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे ठीक है चलिए कैसे करते हैं वो सीखते हैं तो हम हमारा फर्स्ट ठीक है वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट मैथड ट्राइंगल मैथड ओके सो ट्राइंगल मैथड के अकॉर्डिंग इसका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्लस वैक्टर बी सो दैट इट्स टेल इज एट द हेड ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ बी दिस लाइन रिप्रेजेंट अ वैक्टर आर एंड दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वैक्टर ठीक है ये क्या होता है रिजल्टेंट वैक्टर जो कि a और b का सम होता है ठीक है वैक्टर्स इस मैथड में इन दिस मैथ वैक्टर्स आर अरेन्ज हैड टू टेल ठीक है किस वे में होते हैंड टू टेल में सो दिस ग्राफिकल मैथड इज कॉल्ड हैड टू टेल मैथड ठीक है एंड दिस मेथड इज ऑल्सो कार्ड ट्राइंगल मेथड क्यों क्योंकि टू वैक्टर्स हैं आपके पास और थर्ड वैक्टर क्या हो जाएगा रिजल्ट एंड वैक्टर तो यहाँ पे आपके पास थ्री साइड्स फॉर्म हो गई वैक्टर्स की थ्री साइड्स फॉर्म हो गई सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइंगल मैथड ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मैथड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास टू वैक्टर्स है वैक्टर ए एंड वैक्टर बी ठीक है अब वेक्टर बी को आपने इस तरह से लिया कि इसका जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड से कनेक्ट हो जाए ठीक है तो हम क्या करते हैं हम इस तरह से पहले वेक्टर ए ले लेते हैं ये आपका वेक्टर ए है एंड इसका जो हेड है ठीक है वो वेक्टर वेक्टर बी के टेल से कनेक्ट कर दिया ये आपका वेक्टर बी है ये आपका वेक्टर ए है ओके सो रिजल्टेंट रिजल्टेंट का मतलब आंसर जैसे ए प्लस बी का जो आंसर मिलेगा वो आर होगा ठीक है आर को यहाँ पर रिजल्टेंट बोलते हैं वेक्टर्स में हम आंसर को रिजल्टेंट बोलेंगे ठीक है तो इन दोनों का सम है दोनों वेक्टर्स का सम है वो रिप्रेजेंट किया जाता है आर के थ्रू ठीक है सो सम इज कनेक्टेड टू द टेल ऑफ वेक्टर ए एंड हेड ऑफ वेक्टर बी ठीक है इस तरह से हमने आर को रिप्रेजेंट करना है ओके सो आर इज द सम ऑफ वेक्टर ए एज एज वेल वेक्टर बी ओके क्लियर है अब ये वेक्टर मैंने तो इस तरह से लिया कि 90 डिग्री अभी एंगल ड्रॉ हो रहा है ठीक है अभी हम जैसे हमने वेरिएबल लिए अगर आप कोई डिजिट ले लें ए के प्लेस पे हम वैल्यू थ्री ले लेते हैं ठीक है थ्री ले लेते हैं एंड ये वेक्टर ए है यहाँ थ्री मीटर सपोज कर लेते हैं लेंथ एंड दिस इज वेक्टर बी ये फोर मीटर मैग्नीट्यूड ही लेते हैं ठीक है यहाँ पर आप जो लेंथ ले रहे हैं एक और पॉइंट यहाँ नोटिस करना कि ये जो लेंथ है वेक्टर का लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ठीक है तो यहाँ पर एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस वेक्टर के ऊपर एरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसे वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है लेंथ जो है एरो का जो लेंथ है वो क्या है मैग्नीट्यूड है इसीलिए हम एरो नहीं लिखे तो चलेगा चलिए थ्री मीटर एंड फोर मीटर ले लिया ओके okay, और इन दोनों के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री है तो हम इसे ये हम जनरली हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री अगर एंगल होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है और राइट एंगल ट्राइंगल में पैथाग्रोस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये वाला जो रिजल्टेंट लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं मीटर ठीक है ये फाइव मीटर होगा सो so, ये एक जनरल एग्जाम्पल है दे, आपने नोटिस किया होगा कि थ्री एंड फोर थ्री और फोर को हमने ऐड किया तो फाइव होगा ठीक है ये कब होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में अगर आप सिंपली थ्री और फोर का एडिशन करें तो आपका आंसर होगा सेवन बट यहां वेक्टर लॉ में सेवन नहीं होता है ठीक है ये फाइव मीटर है ठीक है ये जो है रिजल्टेंट है, का जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड करता है एंगल पर ठीक है क्या किस पे एंगल पर अगर आपका एंगल चेंज हो रहा है देन आपका रिजल्टेंट भी चेंज होगा ठीक है तो यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस कर लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज डिपेंड डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी ठीक है ए और बी के प्लस पे हम थ्री और फोर ले रहे हैं सो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ठीक है आर की जो वैल्यू है रिजल्टेंट की वैल्यू है वो एंगल पर डिपेंड करेगी अगर आपने यहाँ एंगल चेंज कर दिया तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ठीक है अच्छा अभी हमारे पास इस तरह से टू वैक्टर्स हैं एक वैक्टर ये है आपका ए है एंड अनदर वैक्टर इज दिस ओके तो हम इसे ट्राइंगल मैथड के थ्रू ये बी वैक्टर है आपका ट्राएंगल मैथड के थ्रू एड करना है हमें इन दोनों वैक्टर्स को ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पैरल शिफ्ट करके इसे अरेंज कर लेते हैं ठीक है ट्राइंगल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं थ्री साइड्स में सो ये वैक्टर आपका ए है और इसे पैरल शिफ्ट यहाँ पर कर दें सो दिस इज अ वैक्टर बी ठीक है मैंने वैक्टर साइन इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड को अच्छा ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो ए की टेल से ठीक है ए की टेल से बी के हेड को कनेक्ट करता है या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड लास्ट वेक्टर की हेड को अगर आपने ज्वाइन किया देन दिस लाइन रिप्रेजेंट द रिजल्ट एंड वैक्टर ठीक है अगर आपके पास यहाँ तो ए और बी टू वैक्टर है तो हमने टू वैक्टर में फर्स्ट एंड ये जो सेकेंड वैक्टर ले रहे हैं वो लिख दिया ठीक है बट मोर देन टू वैक्टर्स हो तो क्या करें ठीक है जैसे इस तरह से हो ये वैक्टर ए है आपका ठीक है ये वैक्टर बी है फिर ये वैक्टर सी है वैक्टर डी है इस तरह से मोर देन टू वैक्टर्स हों तो आप कैसे ऐड करेंगे तो क्या करेंगे आपको टू वैक्टर हो या फिर मोर देन टू वैक्टर्स हो आपको ये जो स्टेटमेंट है इसका जो रिजल्टेंट है उसको ऐसे स्टोर करना है माइंड में कि वैक्टर जो आप फर्स्ट वाला वैक्टर ले रहे हैं उसका टेल फर्स्ट वैक्टर के टेल को लास्ट वैक्टर के हेड से कनेक्ट कर दें ठीक है ज्वाइन कर दें सो दिस लाइन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वैक्टर ओके ये लाइन जो है वो आर को रिप्रेजेंट करेगी क्लियर अब यहां पर भी हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है उसका टेल ए है ठीक है ये यहाँ पर एंड सेकेंड वेक्टर है उसका हेड पी तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो आपको रिजल्टेंट मिल गया आर ठीक है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आर आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया नाउ इस ट्राइंगल मेथड में टू लॉज फॉलो होते हैं कम्युटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ ठीक है सो वन बाय वन हम इससे देखते हैं फर्स्ट वन इज कॉम्युटेटिव लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ को वेक्टर एडिशन कैसे फॉलो करता है ठीक है देखो कॉम्यूटेटिव लॉ तो हमने लास्ट जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल यहां लेते हैं वेक्टर ए ओके एंड दिस इज वेक्टर बी अब क्या करते हैं वेक्टर ए एंड बी का पैरल शिफ्ट कर देते हैं क्या करते हैं पैरल शिफ्ट ए का और बी का पैरल शिफ्ट करना है आपको बी यहां पर पैरल कर दीजिए ठीक है ओके एंड ए वेक्टर कोई इस तरह से तो ये हमने पैरेलल कर दिया अब ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो तो ये इसी तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है दिस लाइन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एज वेल एज बी बी वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट आपने यहां किया सो दिस लाइन रिप्रेजेंट द वेक्टर बी ओके एंड सिमिलरली फॉर दिस इज ए क्लियर चलिए अब a प्लस बी यहाँ से आप ऐड करना स्टार्ट करते हैं ठीक है a प्लस बी ए प्लस बी का आंसर है आपका r रिजल्टेंट ठीक है रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो अब इस एंगल में ठीक है ये जो एंगल है इसे साइड पर रख दीजिए अब सेकंड एंगल देखते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये जो पैरल शिफ्ट किया है इसके अकॉर्डिंग आपका जो पैराग्राम मिला उसमें एंगल तो सेम ही रहेगा सो so, ये टू जो हैं वो सेम होंगे तो so, से आप कह सकते हैं कि बी प्लस ए यहां से स्टार्ट हुआ है आपका बी वेक्टर एंड ए वेक्टर सो वी कैन से बी प्लस ए इज इक्वल्स टू आर क्योंकि आर इज द कॉमन लाइन ठीक है दोनों ट्राइंगल के लिए है आर क्या है कॉमन लाइन है इसीलिए यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के लिए सेम होगा ओके okay. आर आर एच एस में भी यहाँ है एंड हियर अल्सो आर इन आर एच एस सो इक्विवेलेंट कर दीजिए ओके ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ओके, सो दिस इज योर कॉम्पिटेटिव लॉ कॉम्प्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए वेक्टर सो यहाँ प्रूफ भी हो गया है नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव लो एसोसिएटिव एसोसिएटिव लो क्या होता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटिव लो के बारे में आपने पहले मैथ्स में बेसिक तो पढ़ा ही होगा ए प्लस बी अगर आप टू वेक्टर यहां पर एसोसिएटिव लो के लिए हम मोर देन टू वेक्टर्स लेते हैं थ्री वेक्टर्स लेंगे यहाँ ठीक है ए प्लस बी को अगर आप सी में ऐड करें सो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी ठीक है इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा अब वो कैसे सो आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम एसोसिएटिव लॉ को समझते हैं ओके सो so हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं वेक्टर ए वैक्टर बी एंड दिस इज फैक्टर सी ओके अब तीनों का तीनों का जो रिजल्टेंट है मीन्स ए प्लस बी प्लस सी वो कौन सी लाइन बताएगी ये वाला ठीक है फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दो एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बी एज वेल एज सी क्लियर सो so, ये आपका रिजल्टेंट हुआ आर एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी ओके अब देखिए अगर हम इसमें ट्राइंगल ड्रॉ कर लें यहां पर इस तरह से इसे ज्वाइन कर दें एक लाइन के थ्रू तो ये आपका ट्राइंगल मिला और ये ट्राइंगल मिला ठीक है इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लो लगा दीजिए तो बी प्लस सी रिप्रेजेंट करेगा ये वाली लाइन इसको बी प्लस सी कह सकते हैं आप ठीक है अब ये सेकेंड वाला आप ट्राइंगल लें सो so सेकेंड में ट्राइंगल में क्या होगा ए और बी प्लस सी ठीक है ये जो एरो देखिएगा आपका ये एरो बी प्लस सी इसका जो कॉम्बिनेशन है इसका जो एडिशन है वो रिप्रेजेंट करता है ये वाली लाइन ठीक है एंड दिस इज आर ओके सो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ज इक्वल्स टू आर यहाँ से क्लियर अब हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ठीक है तो आपके पास अगेन टू ट्राइंगल हो गए ओके यहाँ पर ए प्लस बी तो ये वाली जो लाइन है आपकी ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी एंड दिस लाइन विल बी सी ओके सो ए प्लस बी ए प्लस बी एंड प्लस सी प्लस सी अब इसे भूल जाइए आप ओनली ये वाली लाइन और इस लाइन को देखिए ठीक है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा इस ट्राइंगल A. का रिजल्टेंट वेक्टर आर सो दिस बीव टू आर यहाँ आर एच एस आर एच एस सेम है सो एल एच एस दोनों इक्वेट हो जाएंगे ठीक है so, सो आपके पास आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी क्लियर है एसोसिएटिव लो ओके अब नेक्स्ट इज नल वेक्टर ठीक है थर्ड नल वेक्टर अब नल वेक्टर क्या होता है नल वेक्टर को आप जीरो वेक्टर भी कहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि नल वेक्टर क्या होता है बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है ओके okay. सपोज so, हमारे पास टू वेक्टर्स हैं वेक्टर ए है एंड नेगेटिव सेम सिमिलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर है आपके पास ए बट डायरेक्शन चेंज है ठीक है नेगेटिव डायरेक्शन है अब इन दोनों को आपने ऐड किया है रिजल्टेंट आपका दोनों का एडिशन ए प्लस माइनस ए दोनों का एडिशन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो एडिशन जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है दैट इज जीरो वैक्टर ओके सो आपका रिजल्टेंट हुआ ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर क्लियर जीरो वेक्टर को आप नल वेक्टर भी कहते हैं ठीक है एंड जीरो वेक्टर भी ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल लो आई होप आपको ट्राइंगल लो के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे अब हम देखते हैं पैराग्राम मैथड ओके अकॉर्डिंग टू पैरालाग्राम मैथड suppose we have two vectors a and b for adding bring their tails to a common origin common origin o then we draw a line from head to a parallel to b and another line from head to b parallel to a to complete parallelogram okay and r is the resultant directed from the common origin point so statement ke through तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया बट स्टेटमेंट के लाइन वाइज अगर हम ड्रॉ करें डायग्राम तो क्लियर समझ में आ जाएगा ओके okay. सो so, हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट गेन करना है ठीक है हमें रटाफिकेशन नहीं करना है इसीलिए हम वन बाय वन लाइन टू लाइन आप रीड करेंगे स्टेटमेंट को एंड देन ग्राफ्स में या जो भी डायग्राम है उसमें ड्रॉ करेंगे ओके okay, तो आपने क्या किया टू वैक्टर्स लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओके तो सपोज आपने यहाँ पर वैक्टर्स ले लिया वैक्टर ए एंड दिस इज वैक्टर बी ओके इन दोनों को ऐड किया है टेल टू टेल ठीक है मीन्स यहाँ पर मान लो कि ये वैक्टर ए है एंड दिस इज वैक्टर बी अभी इन दोनों वेक्टर्स की हमने पैरल शिफ्टिंग करके टेल टू तो टेल कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे टेल टू तो टेल यहाँ कनेक्ट हो गए और इससे आप ओ सपोज कर लेते हैं ठीक है अभी थोड़ी देर के लिए हम ओ सपोज कर लेते हैं बिंग देअर टेल्स टू अ कॉमन ओरिजिन दोनों के टेल्स जो है एक कॉमन पॉइंट पर मीट हो रहे हैं एंड देट इज कॉल्ड ओरिजन देन वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम हेड टू ए ए के हेड से एक पैरल लाइन ड्रॉ करना है आपको ओके एंड अनदर लाइन पैरल लाइन किसके पैरलर बी लाइन के पैरल ठीक है बी वेक्टर की जो लाइन है लेंथ है उसके पैरलर एंड अनदर लाइन फ्रॉम हेड टू बी पैरल टू ए ठीक है मीन्स आपको बी से एक लाइन लेना है बी के हेड से एक लाइन लेना है जो कि ए के पैरल में तो ए के पैरल बना दिया हमने ठीक है एंड ये जो लेंथ लेंथ है है ये है, दोनों लेंथ इक्वल है क्लियर है तो हम इसे वेक्टर ए या लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी कह सकते हैं एंड अभी आपको क्या करना है हेड ऑफ वैक्टर बी सॉरी हेड ऑफ वैक्टर ए का बी लाइन के पैरल में एक लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है सो so, ये वाला आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया क्लियर है नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहे हैं कि देन वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम हेड टू ए पैरल टू बी एंड अनदर लाइन फ्रॉम हेड टू बी कंप्लीट एक पैरलग्राम मिल गया आपको ये पैराग्राम मिल गया ठीक है कम पैराग्राम का आप नेम दे दीजिए नेम सजेस्ट कर दीजिए ओ पी क्यू ठीक है या फिर जो भी ये 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 आपका आपका है ये diagonal, common है है अब जो 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 वो से 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 होगा पैराग्राम का डायगोनल है ठीक है ये डायगोनल दोनों ट्राइंगल का कॉमन डायगोनल है ओके सो ये जो डायगोनल हमेशा आप जो डायगोनल लेंगे यहाँ से भी डायगोनल हो सकता है बट ये पॉसिबल नहीं है पैराग्राम मेथड में ये सही नहीं है ठीक है ये राइट नहीं होगा राइट क्या होगा जो डायगोनल ओरिजिन से ठीक है या फिर जो मीट पॉइंट है दोनों प्रैक्टर्स के टेल टू टेल मीट पॉइंट है ओरिजिन यहाँ से आपका डायगोनल ड्रॉ होना चाहिए तभी पैराग्राम मैथड कंप्लीट होगा ओके सो दिस रिप्रेजेंट रिजल्टेंट फैक्टर अब आप क्या करेंगे बस अब आप क्या करेंगे ए प्लस बी जो है ये आपका वैक्टर बी है एंड दिस इज वैक्टर ए ओके लाइन जो है ड्रॉ इस तरह से किया है तो आपको पैराग्राम मेथड के थ्रू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आर मिलेगा कहीं ना कहीं पैरालाग्राम मेथड जो है वो ट्राइंगल मेथड ही है ठीक है छुपा हुआ है ट्राइंगल मेथड देखो यहाँ पर ट्राइंगल दो ट्राइंगल मिले अब अगर आप ओ बी ठीक है ये जो हेड है हेड बी का जो हेड है वो ए के टेल से कनेक्ट है ठीक है ये ए वेक्टर है और इसका हेड यहाँ है और टेल बी से कनेक्ट है तो यही तो होता है ट्राइंगल लो एंगल लो क्या होता है फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकेंड वेक्टर के टेल से कनेक्ट कर दिया एंड 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 रिजल्टेंट जो वेक्टर मिले आपको वो फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दो सो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर यही है और पैरेललोग्राम में होता ये है कि जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरल होती है पैरल होने की वजह से दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगे सो तो आप इस ट्रायंगल से भी बात करें तो भी ए प्लस बी इज इक्वस टू आर आना है एंड इस ट्रायंगल के थ्रू भी ए प्लस बी वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इज इक्वस टू आर होगा क्लियर है तो किसी भी मेथड से करें आपका आंसर सेम ही होगा या ट्रायंगल मेथड से करें या फिर पैराग्राम मेथड से करें आपका जो आंसर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा मेथड अगर डिफरेंट है तो आंसर सेम होगा ठीक है एक ही अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों मेथड से तो आपका आंसर सेम आएगा ऐसा नहीं है कि डिफरेंट होगा क्लियर इस लेक्चर में हमने ट्राइंगल मैथड एंड पैरालाग्राम मैथड स्टडी किया सभी पॉइंट्स क्लियर किए ठीक है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू टू वेक्टर्स को हमने ऐड किया अभी हमने कोई भी फार्मूला यूज नहीं किया नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा फार्मूले पर बेस्ड होगा हो एनालिटिकल मेथड का मीन्स आप फार्मूले के थ्रू वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं बट उसके पहले रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स पढ़ना है ओके okay, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू